हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली इसके तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स किसे कहा जाते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट होते हैं इनिशियली, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि कंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर loosely bound to nucleus। valence electron जो है वो nucleus से loosely bound, इसका मतलब क्या है कि वो उनको आसानी से free किया जा सकता है। ठीक है, अगर उनको आसानी से free किया जा सकता है तो free होके वो आसानी से conductors में move कर सकते हैं और charge carrier की तरह act कर सकते हैं। तो यहाँ पर electron जो है वो किस तरीके से act कर सकते हैं? Can act as charge carriers। ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड न्यूक्लियस है तो उनको आसानी से फ्री किया जा सकता है, इस वजह से वो आसानी से चार्ज कैरियर की तरह बिहेव कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है इनके? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कंडक्टर्स के अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टर्स की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यह है कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है वो कैसी होगी। ऑब्वियसली अगर चार्ज तरीके की तरह एक्ट कर रहा है तो ज्यादा चार्ज फ्लो हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है तो हम बोलेंगे कि हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होती है? हाई होती है। सेकंड क्या है कि ये स्टेडी स्टेट में ओम के नियम को फॉलो करते हैं। तो हमें पता है कि कंडक्टर्स यानी मेटल्स, और मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ओम के नियम को, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम लिखेंगे कि ओबे ओम्स लॉ इन स्टेडी स्टेट। ओके, उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वो भी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो अगर टेम्परेचर के चेंज के साथ में जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो सेम टाइप का है यानी वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है कंडक्टर्स के लिए वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर कॉफिशियंट कैसा हो जाएगा इनके लिए? पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एटम जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स जो होते हैं वो इनिशियली इनकम्प्लीट होते हैं। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं और चार्ज कैरियर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब। उसके बाद देखो इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है? हाई होती है। ये स्टेडी स्टेट में ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसका मतलब इनके लिए जो टेम्परेचर कॉफिशियंट है कंडक्टर्स के लिए वो कैसा आता है? पॉजिटिव निकल के आता है। ये क्या है? टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी किनके लिए? फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स समझ में आए क्या होते हैं? इसके बाद हम बात करने वाले हैं इंसुलेटर्स के बारे में। अभी हम इनके कौन से क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं क्या चीज कि एनर्जी बैंड थ्योरी से हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो सेकंड क्या चीज है? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके एटम्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है,
तो इन सॉलिड्स में क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के टाइटली बॉन्ड होंगे। लिख लो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के टाइटली बाउंड है इसका मतलब क्या हो गया, फ्री नहीं है। तो हमको कोई भी फ्री चार्ज क्लियर अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल, नो फ्री चार्ज क्लियर। मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई भी फ्री चीज हमको नहीं मिली, इसका मतलब चार्ज के लिए नहीं है, नो फ्री कैरियर। तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होगा कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसका मतलब चार्ज कैरियर भी नहीं है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी कैसी होगी? बहुत कम होगी। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी बहुत कम है तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी? बहुत हाई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखोगे? लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ग्लास, क्वार्ट्ज, ये क्या है अच्छे एग्जांपल्स है इंसुलेटर्स के। इंसुलेटर्स के बाद में थर्ड जो है टाइप वो कौन सा है? सेमीकंडक्टर्स वाला है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है और जो इंसुलेटर से उनसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो बीच की रेंज में यहाँ पर कंडक्टिविटी लाई करती है। इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसा होता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होगी। क्योंकि जब आप एनर्जी बैंड थ्योरी बढ़ोगे ना, नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि बैंड बनते हैं वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, चार्ज कैरियर्स को, और वो क्या होंगे कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ज्यादा जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो है डिपेंडिंग ऑन पी टाइप एंड टाइप वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, इसका मतलब क्या, चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं। तो उसके बेसिस पर हम ये चीज बताते हैं। ठीक है, कि ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे ज्यादा करंट फ्लो होगी, ज्यादा करंट फ्लो होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस कम होती, इसका मतलब इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर हमको इनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी सेमीकंडक्टर्स की तो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ, डोपिंग कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करना जिसे डोपिंग करते हैं, उससे हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखना चाहते हो इसके लिए, तो मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर जो हम यूज में लेते हैं वो क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के। नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी बैंड थ्योरी में डिफरेंट बैंड जो होते हैं वो बनाएंगे और उनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है और उस टाइप से उसको क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।